प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। फौज में भर्ती होने की बजाय तुम नौजवानों को अपनी सारी ताकत, अपना सारा जोश ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंक देने में लगा देना चाहिए। वो एक हैदर अली को मिटा देना चाहते हैं। तुम लाखों की तादाद में हैदर अली बनकर उनके सामने आओ। राजा खबर आए लो की खबर आए लो की खबर आए लो की खबर आए लो एक बालिका चाय 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 लो कौन बालिका चाय लो कौन बालिका चाय लो कौन बालिका चाय लो कौन बालिका चाय लो ये बालिका चाय लो ये बालिका चाय लो ये बालिका चाय लो। राजा खबर आए लो राजा खबर आए लो राजा खबर आए लो। सुनो सुनो तो बेटे, जब राजा का सिपाही तुम्हारी सहेली को लेने आया था ना, तो तुम लोगों ने उसे बचाया क्यों नहीं, उसे जाने क्यों दिया? बोलो बोलो। बड़ी माँ, ये राजा के सिपाही हमें मारते हैं। हाँ, हमें मारते हैं। हमारे दादाजी ने तो कहा था कि बालिका को राजा से कोई नहीं छुड़ा सकता। अरे वाह, क्यों नहीं छुड़ा सकता? ओहो बड़ी माँ, ये खेल बहुत पुराना है। इस खेल में ऐसा ही होता है बड़ी माँ। बालिका को राजा के पास जाना ही पड़ता है बड़ी माँ। अच्छा अच्छा, देखो अब से जो भी राजा का सिपाही तुम्हारी किसी भी सहेली को लेने आए ना, तो तुम लोग सब मिलके उसे बचाना, उसे जाने नहीं देना, ठीक है? हाँ, शाबाश, अब खेलो। कौन बालिका चाय लो कौन बालिका चाय लो ये बालिका चाय लो ये बालिका चाय लो ये बालिका चाय लो। चलो चलो, पकड़ो पकड़ो उसे। अरे पकड़ो नहीं इधर आके। हाँ मारो मारो उसे, खूब मारो मारो, शाबाश। स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ वही लोग नहीं होते जो हाथों में बंदूक लिए सिर पर कफन बांधे आजादी की जंग में कूद पड़ते हैं। आप लोग भी सेनानी हो और आपका हथियार है आपका धर्म,
आपका ईमान और आपका कर्तव्य। जाओ, अपने धर्म और ईमान की रोशनी से घर घर को रोशन करो, ताकि देश का हर नौजवान कर्मवीर बन सके। दाम के नाम पर तुम लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। तुम्हारी मेहनत का सारा मुनाफा तो वो खुद खा रहे हैं। हमारा ही कपास मिट्टी के दामों पर हमसे खरीद के सोने के दामों पर हमें ही लौटाया जा रहा है। आप लोगों को अपने हक के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, और ये तभी हो सकता है जब सब लोग एकजुट होकर आवाज उठाएं। विदेशी सामान वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। विदेशी सामान वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। विदेशी सामान वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। देवी मां की जय, देवी मां की जय, देवी मां की जय। विदेशी सामान वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। विदेशी सामान वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। विदेशी सामान वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। देवी मां की जय, देवी देवी माँ की, देवी माँ की, देवी माँ की, विदेशी माल वापस ले जाओ, देवी माँ की, 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 देवी माँ की। विदेशी सामान वापस ले जाओ, विदेशी सामान वापस ले जाओ। देवी माँ की, 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 देवी माँ की। कंपनी फौज भागो, कंपनी फौज आ गई, भागो भागो, भागो कंपनी फौज आ गई, भागो। स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ वे लोग नहीं हुआ करते जो सिर पर कफन बांधे, हाथों में बंदूक लिए आजादी की जंग में कूद पड़ते हैं। आप लोग भी सेनानी हैं, और आपका हथियार है ये भगवद गीता। जाओ, इसकी शिक्षा से
हर घर को रोशन करो, ताकि हर नौजवान देश के लिए कर्मवीर बन उठे। देवी माँ की जय, देवी माँ की जय, देवी माँ की जय। देवी माँ भवानी दा आए हैं क्या? प्रणाम गुरुदेव। मंत्रार्थ सफला संतु, पूर्ण संतु मनोरथा, शत्रुनाम बुद्धिनाशस्तु, मित्रणाम मुदेस्तथा, सुशांति भवतु, कल्याणम मस्तु। तुम धन्य मा, मैंने तो एक देवी चौधरानी इस देश के लोगों को दी थी, लेकिन तुमने तो सैकड़ों लाखों देवी चौधरानियां और भवानी ठाकुर इस देवी निवास से पैदा कर दिए। गुरुदेव, जो मशाल आपने मेरे हाथों में दी थी, वो मैंने इस देश के वारिसों को सौंप दी है। आशीर्वाद दीजिए इन्हें। माँ, अब इन मशालों की लौ को शोलों में बदलने का वक्त आ गया है। कुटिया में रहकर मैंने 20 साल गंवा दिए, मुझे प्रायश्चित करना है। भवानी ठाकुर आत्मसमर्पण करेगा तो बर्तानिया सरकार समझेगी कि मशाल की लौ बुझ गई, मगर मेरी सजा की आग लोगों के दिलों में भड़क उठेगी। अच्छा मां, मैं आत्मसमर्पण करने जा रहा हूं। मेरा अंतिम प्रणाम। सर, सर, बिलीव मी सर, बिलीव मी। It's true, sir. Please. Please be seated. There is no doubt that lady is Devi Chaudhari, जिसकी हमें सालों से तलाश थी। सर, हमारे जासूसों ने खबर दी है कि देवी आश्रम में भवानी ठाकुर को देखा था, और उसने देवी चौधरानी से मिलने के बाद ही अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। नो ब्रेनन, नो। भवानी ठाकुर ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया था। जी यस, उसे हमने पकड़ा था। ये बात गांव में फैला दो। सर, अगर आप परमिशन दें तो देवी आश्रम के औरतों को हिरासत में ले लें। नो, एब्सोल्युटली नो। देवी चौधरानी अब एक जाने माने रिलीजियस ग्रुप की लीडर है, एक पूरी कौम उसके पीछे है। उस पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है, लोग भड़क सकते हैं। और हाँ, लोगों में डर पैदा करने के लिए भवानी ठाकुर को गांव के बीचों बीच फांसी पर लटका दो। यस सर। देवी चौधरानी को आश्रम से बाहर निकालने का यही एक तरीका है। मिस्टर ब्रेनन, तुम तो देवी चौधरानी से मिल चुके हो। सर। उसे नजदीक से देख चुके हो। यस सर।
And you know what's to be done? ए, कहाँ चली जा रही है? चल बाहर। ओहो, कैसी बदबू फैलाती जा रही है। मुझे देवी माँ के दर्शन करने दो, बहुत दया होगी। चल 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 चल, परे हट। मैं बहुत दूर से आई हूँ। चल 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 भैया, मुझे। अरे कहाँ ना जा, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। मैं देवी माँ के दर्शन करना चाहती हूँ। चल हट परे, मैं देवी माँ के दर्शन करना चाहती हूँ। क्यों शोर मचा रहे हो? देवी माँ ये अंदर आने का हक कर रही है। तुम जाओ, मैं इन्हें देखती हूँ। जो आज्ञा दे दूँ। क्या बात है बहन? मुझे छूना मत, मुझे मत छूना, मुझे कोड़े, मुझे मत छूना। कोड़? अच्छा अच्छा, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हारा उपचार करूंगी। मैं तुम मेरा उपचार करोगी? तुम शायद जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, वरना ऐसा नहीं कहती। मैं तो तुम्हें पहली नजर में ही पहचान गई थी बहन फूलमणि। मैं कितनी नीच हूँ, मैं कितनी पतित हूँ। ऐसा ना कहो फूलमणि, ये तो सब विधाता का रचा हुआ चक्र है। हम तुम कौन होते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी करने वाले? आओ मेरे साथ अंदर आओ, उठो, चलो मेरे साथ अंदर चलो। हाँ चलो उठो, हाँ आराम से। हमारे देश में एक नया सवेरा होने वाला है बहन फूलमणि, देखना फिर समस्त अंधकार दूर हो जाएगा। देवी माँ। रुक्मणी। जी देवी माँ। इन्हें आदर से अंदर ले जाओ और वैद्य जी से कहना कि इनके उपचार की तैयारी करें। जी अच्छा। क्या बात है, क्या खबर लाए हो? खबर अच्छी नहीं है देवी माँ। क्यों, क्या हुआ? आज संध्या होते ही भवानी था को फांसी दे दी जाएगी देवी माँ।
भवानी, जय 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 भवानी, देवी चौधरी, जय भवानी, मुझे माफ कर देना। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, चली चौधरानी, देवी चौधरानी।
चौधरानी।